वसुदेव महाराज नारद जी को प्रश्न किया है। उनका प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। और जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसका एक ही लक्ष्य है, आत्मा को शांति। जो कुछ करते हैं, लिखाई पढ़ाई करो, नौकरी चाकरी करो, शादी शुदा करो, मकान दुकान बनाओ, हैं, उसका उद्देश्य क्या है? मन को शांति कैसे मिलेगी, आत्मा को शांति। इसका सब काम का हमारा एक उद्देश्य है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। कहते ये श्री नारद जी को प्रश्न किसने किया था? वसुदेव महाराज ने। वसुदेव महाराज ने प्रश्न किया था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसलिए हम लोग कथा सुन रहे थे, उसमें बताया पहले सद्गुरु का चरण अशांति का दुख का कारण यही है, हमने भगवान को भूल गए। जितने दुख कष्ट का जो मूल कारण है, हरे कृष्ण ऐसे हो गया प्रभु जी, प्रभु जी ऐसे हो सकती है प्रभु, जैसे जैसे एक तारीख को एक हो जाएगा ना, फिर हम तो एक तारीख को भी छुट्टी है, एक को चले जाएंगे, एक तारीख को एक को छुट्टी है, हाँ यात्रा से भी होता है ना, कल 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 का तिथि कौन सा था, कल का तिथि कल दसवीं, हाँ दसवीं को दर्शन जा रहे, लेकिन लेकिन नहीं नहीं पिछली कल का जो तिथि था कौन सा तिथि थी, पिछली कल नवमी हम लोग को फिर एक तारीख कर दो, फिर नहीं तो क्या द्वादश जाना पड़ेगा, तो भक्तों को बोल दिया हाँ, और क्या करें, फिर प्रभु जी जयपुर के लिए कोई हरे कृष्णा जयपुर के लिए जो एक तारीख को उसमें शादी है, शादी होने का ना सारे बस है, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या सोच रहा है ये प्रभु जी, जो कल है ना, नहीं परसू, परसू गोकुल के लिए भी कोई गाड़ी मिल सकती है गोकुल जाने के लिए, हाँ हाँ नहीं देख लो प्रभु जी, क्योंकि हम उड़ीसा से भक्त लोग आए ना, हाँ वो लोग अभी गए नहीं, हाँ वो लोग गए नहीं अभी तक, हाँ उसमें और कोई भी भक्त लोग बोल रहे थे जो कहीं उनको भी ले जाते एक दो गाड़ी, नहीं नहीं प्रभु जी जब जब गोकुल के लिए मिल सकती है फिर जयपुर के लिए मिलना कितनी दिक्कत होगा प्रभु जी, बात नहीं पास में कोई दिक्कत, हाँ हम लोग तुम लोग गोकुल गए हो, तुम लोग गोकुल गए थे नहीं गए ना, प्रभु जी गोकुल के लिए दो बस कर दो ठीक है, हाँ 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 देख, हाँ हाँ फिर दो तारीख को जयपुर चलो, एक तारीख आज कितना तारीख हो गया, हाँ
उनतीस हो रहा है, हम दूसरे उसका दूसरे दिन जाएंगे द्वादश को जाएंगे। हाँ परसों गोकुल, गोकुल जयपुर के लिए कटनी गोकुल दर्शन कर आएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ देखो हम क्या कथा सुन रहे थे, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है, पीछे आ रही है, हरे कृष्णा आ रही कि नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा आवाज आ रही है, आ रही है ना, ठीक है। हरी बोल। हाँ इसलिए बोल रहे थे शांति कैसे मिलेगी, इसलिए शांति हमें कैसे मिलेगी, इसको उत्तर में खसखस कर बैठे इतना जगह थोड़ी। इसलिए श्री नारद जी उसका उत्तर दिए हैं, कहते ये अशांति भरे क्यों है, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं पर ये जीवन में हमें अशांत क्यों मिला, दुख क्यों मिला, ये दुख मिलने का कारण क्या है। बोले एक ही कारण है, हमने भगवान को भूल गए हैं, हम भगवान को भूल गए इसलिए जितने सारे ये दुख का कारण है। अगर सुख पाना चाहते हो फिर क्या करो, इसलिए कहते हैं सुख पाने के लिए केवल एक उपाय है, जैसे दो तरफ है, इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, आप जितने पूर्व तरफ में जाओगे पश्चिम उतना तुमसे दूर हो जाएगा उतना। इसका पूर्व तरफ का मतलब होता है भक्ति जगत में हम जितने आगे बढ़ेंगे, एक तरफ में सुख और एक तरफ में दुख है, जितने हम सुख का तरफ में बढ़ेंगे जो दुख है वो तुमसे उतना दूर चली जाएगी, उतना दूर दुख अपने आप चली जाएगी। इसलिए कहते हैं हमें हमें दुखी है, माया है, संसार है, दुख दुखी है, उसके लिए कोई चिंता मत करो, कहते उसके लिए तुम्हें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, ये चिंता करो हर समय हम कितने जीवन में प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, हैं? कहते ना ये चीज माया है, माया छोड़ो माया छोड़ो, ये माया को नहीं छोड़ सकते हो, ये माया को तुम छोड़ नहीं सकते हो, केवल इतना ही काम तुम करो। क्या करो, एक उदाहरण दिया, जैसे तुम्हारी शरीर में कोई कांटा गड़ गया है, वो कांटा को निकालने क्या क्या करोगे, दूसरे कांटा लाओगे, दूसरे कांटा से वो कांटे को निकाल कर दोनों को फेंक देते हो, है ना, कांटा गड़ गया उसे कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटा लाओ। कहते ये संसार में दुख का कारण है, हमारा जो अभिनिवेश है चिंता ये संसार में, इसलिए दुख मिलता है। लेकिन जब तुम भगवत चिंतन करने लग जाओगे, भगवत चिंतन करने लग जाओगे, जितने प्रभु की चिंता में लग डूब जाओगे ना, वो उतना ही माया तुमसे अपने आप दूर हो जाएगी, ये दुख कष्ट उतना ही दूर हो जाओगे। इसलिए दुख जाए दुख जाए इसके लिए कोई कोशिश मत करो, कोशिश ये करो कितने हम भगवत स्मरण में मन लगा पाए, कितने भगवत चिंतन में मन को लगा दिया, अगर प्रभु का चिंतन भजन में मन लगा दिया फिर तो ये माया अपने आप तुमसे अपने आप ये माया दूर हो गया है। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं अगर जीवन में शांति सुख अगर पाना चाहते हो उसका केवल एक उपाय है भगवत स्मरण, भगवत भजन। और भगवत भजन में सबसे बड़ा भगवत भजन में जो उपाय है, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते जितने साधन में ये हरिनाम कीर्तन सबसे ये बड़ा साधन है, सबसे बड़ा साधन है ये हरिनाम संकीर्तन, इससे बड़ा साधन दुनिया में और कुछ नहीं। लेकिन उसमें एक समस्या आ जाती है, भगवत नाम में रुचि नहीं होती है, भगवान का नाम में हमारी रुचि नहीं होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, उसमें कितना कितना सीटें हैं, ठीक है।
हम सवेरे हम मंगल आरती के बाद में एकदम निकल जाएंगे, उसके बाद हम सवेरे बोल देते हैं मंगल आरती। कितना पैसा लेगा? नहीं कितना पैसा लगा वो? गोकुल में प्रभु कहाँ कहाँ हुआ हमको ले जाएगा? नहीं प्रभु जी, वो जैसे ताऊ जी है, रावल है, ब्रह्मांड घाट। हाँ ठीक ठीक है। अगर वो क्या भांडीरगढ़ मानसरोवर चले जाएगा? नहीं वो पिछले ताऊ को पूछ रहा हूँ, वो जाएगा, वो क्या जाएगा क्या? नहीं इसलिए नहीं, वो जा सकता तो जाएंगे तो नहीं जाएंगे ना। हाँ ठीक है, उधर नहीं जाएंगे, इधर ही दर्शन करके आ जाएंगे। हरे कृष्ण निताय गौर परमानंदे हरे हरे। इसलिए कहते भगवान की नाम ही सबसे सरल साधन है, इससे बड़ा साधन दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी भगवान का जो नाम में रुचि आना बड़ा कठिन होता है, भगवान के नाम में रुचि आना बड़ा कठिन है। इसलिए बोले जब भगवान की नाम जप करने लग जाओगे क्या होगा, हृदय तुम्हारी द्रवीभूत होने लग जाएगा, हृदय पिघलने लग जाएगा। कहते जब तक हरिनाम करते करते आंखों से आंसू नहीं बहे, जब तक तुम्हारी हृदय द्रवीभूत नहीं होता है, फिर कहते हैं फिर समझनी चाहिए हमारी कुछ अपराध है, कहीं हमारी कहीं अपराध हो रही है, जिस वजह से भगवान का नाम जप करते हुए हमारी आंखों से आंसू नहीं आती है और हृदय हमारी द्रवीभूत नहीं हो रही, जरूर कहीं ना कहीं हमारी अपराध बन रही है। हाँ? इसलिए कहते हैं हमें ये अपराधों से हमें सावधान रहनी चाहिए। सावधान रह करके कहते भले ही भजन कम हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अपराध कहीं नहीं बन जाए, इसी विषय पर हमें बहुत साधन करनी, बहुत सावधानी बननी चाहिए। लेकिन कभी कभी देखना हम तो बहुत साधन करना चाहते हैं लेकिन अपराध का प्रति हमारी कोई ध्यान नहीं रहता है। हाँ? इसलिए अपराध का प्रति ध्यान नहीं रहता है, इसलिए अपराध रहित तो होकर के भगवान के नाम को जप करनी चाहिए। करते 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 हृदय हमारी द्रवीभूत होने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा। जब हृदय द्रवीभूत होने लग जाए, तुम्हारी आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाए ना, समझना तुम्हारी हरिनाम सही हो रही है, हरिनाम तुम्हारी सही हो रही है। इसलिए श्री बामन गोस्वामी महाराज कहते थे रोना सीखो, रोना सीखो। जब तक बेटा नहीं रोता है ना मैया, तब तक दूध नहीं पिलाती है। इसीलिए हमें रोना सीखनी चाहिए, रोना सीखनी चाहिए। इसलिए कहते हैं द्रुत चीत ऊंचाई, फिर उसके बाद में हसत्यथ। कभी कभी भगवान के नाम जब ये स्थिति आ जाए, हृदय से अनर्थ दूर हो जाए, हैं? इसलिए भगवान के नाम में रुचि आने लग जाए, निष्ठा आने लग जाए, भाव आने लग जाए। पर जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, टीवी में सीरियल देखते हैं, ऐसे ही तुम्हारे हृदय में कृष्ण भक्ति, कृष्ण लीला की जो सीरियल है, तुम्हारे हृदय में वो सीरियल दिखने लग जाए। हृदय में जब भगवान की लीला दर्शन करने लगोगे, जैसे सुखदेव गोस्वामी कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हाथ उठा करके नृत्य कर रहे हैं, हैं? बोले क्यों नृत्य कर रहे थे, क्यों हंस रहे थे, क्यों रो रहे थे,
कारण है क्या? बोले कारण है, जब हृदय में भगवत दर्शन होता है उसमें इतने आनंद, उसमें इतने रस है, उसमें इतने आनंद है, वो आनंद हृदय में समाता नहीं, फिर तो हा 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 करते करते फिर हंसने लग जाते हैं, प्रभु की लीला दर्शन करते हुए हंसने लग जाते हैं। कहती फिर वो रोता है फिर क्यों? कहती रोता है, हंसता क्यों और रोता है क्यों? तो उन्होंने एक लीला बताई, कोई किसी गोपी के घर में कृष्ण मक्खन चोरी करने पहुंचे, वो गोपी पहले से ही मटकी में मक्खन धर करके कोने में रख दी थी, वो सोच रही थी आज कन्हैया को मैं पकड़ूंगी। इतने में कृष्ण आए, आगे देखे पीछे देखे इधर देखे उधर देखे, देखा कोई है नहीं। इतने में धीरे धीरे कृष्ण अंदर में गए, जब अंदर में गए, जब कृष्ण मक्खन खाने लग गए, बोले अभी कुछ बोलूंगी नहीं, जब बोले मक्खन खा लेगा ना फिर उसको पकड़ूंगी। जब उसने मक्खन खा लिए हैं, मक्खन अभी उनको पकड़ने जा रहे थे, इतने में कृष्ण जब वो गोपी को देखा ना, वही सही कृष्ण भगे, कृष्ण वही सही भगे। जब वो गोपी देखने लग गई, देखो कृष्ण कौन है, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक ये कृष्ण है, लेकिन ये एक साधारण गोपी की डर से क्या कर रहे हैं, कृष्ण वहां से भाग रहे हैं। फिर तो वो गोपी हा 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 करते करते हंसने लग जाती है। कहते कभी कभी ये रोता है, कहते भगवत दर्शन में इतने आनंद, इतने आनंद, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी वो कृष्ण भक्ति रस का एक बूंद का साथ में तुम बराबर नहीं कर सकते, इतने आनंद, इतने उसको शांति मिलती है। भले कभी कभी रोता है क्यों? भले जब कृष्ण दर्शन दिए तो हंसने लग गए, लेकिन फिर जब कृष्ण हृदय से अंतर ध्यान हो जाते हैं, कृष्ण हृदय से अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। अरे कितने भाग्य से कृष्ण दर्शन मिला है, कृष्ण दर्शन मिला फिर कृष्ण हृदय से अंतर ध्यान हो गए, इसलिए ये दुख को मारे फिर तो वो कभी कभी रोने लग जाते हैं। आया हुआ धन हाथ से खो गया है, हैं? असत्यथ रोदति तत रौती, रौती मतलब होता है इतने रोने लगता है, इतने रोने लगता है कृष्ण विरह में, जैसे ये प्राण छूट जाएगा, हैं? जैसे प्राण छूट जाएगी कृष्ण अदर्शन में, कृष्ण देखते हैं ये तो प्राण छोड़ देगी, ये तो प्राण छोड़ देगी, फिर क्या करनी चाहिए? फिर कृष्ण क्या करते हैं? फिर उसको दर्शन देते हैं। जब दर्शन देते हैं फिर तो हाथ उठा उठा करके नृत्य दी, फिर नाचना शुरू कर देता है, फिर कृष्ण मुझे दर्शन, कृष्ण दर्शन दे दिए। उदाहरण दिया, जैसे गोपियां रास कर रही थी, रास करते करते कृष्ण जब रास से अंतर ध्यान हो गए, फिर गोपियों ने क्या किया? गोपी गीत गाए, गोपी गीत, जो गोपी गीत है ना ये रो रो कर गा रही है, ये गोपियां इसको रो रो करके गा रही है गोपी गीत को। फिर जब गोपी गीत गाए फिर कृष्ण क्या हुआ? फिर कृष्ण उसको दर्शन दिया। जब दर्शन दिया उसको बाद में फिर महारास होता है, उसको बाद में महारास होता है फिर गोपियों के साथ में। कहते नृत्य थी, बोले लोकवाच्य, लोकवाच्य मतलब अगर हमें किसी मेन रोड में अगर नाचते नाचते जाएंगे, नाच कर जा सकते हो? शर्म लगेगा, अरे कौन क्या बोलेगा, हैं? बोले पागली नहीं होकर बाबरी बनकर नाच रहे हैं, नाच नहीं सकते हो, क्यों? हमको शर्म लगेगा। लेकिन जिस समय कृष्ण दर्शन होता है उसका जो बाजी की जो ज्ञान है, कौन मेरे को क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, ये जो ज्ञान है ना उसका नष्ट हो जाता है, हैं? उसको ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसको बाहर की ज्ञान नहीं रहता है, पूरा उसका जो संबंध है वो भगवान से जुड़ा हुआ रहता है वो पूरा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कब ऐसे दिन आएगा लोग मेरे को पागल बोल करके अंगेत दिवे के धूली, मेरे ऊपर में धूल छोके के, बोली तो पागल है, कहती तो पागल है उसको ऊपर में धूल झोंके के, हैं? इसलिए कहते हसत्य रोदति रौती लोकवाच्य, सारे लोक की बाज्य ज्ञान खत्म हो जाती है, बात संपूर्ण उसमें डूब करके सब काम करते हैं, हैं? अभी यहाँ पर बता रहे हैं, उसको बाद में बताते हैं। कहते भक्ति परेशा अनुभव विरक्ति अन्यत्र, हैं?
कहते पहले भगवान की भजन प्रति तुम कोशिश करो, जितना परिमाण में तुमने भक्ति करोगे फिर उतना परिमाण में क्या होगा, भगवत अनुभूति तुम्हें होगी। जितना भक्ति करोगे उतना तुमको भगवत अनुभूति होगी, और जितने तुम्हें भगवत अनुभूति होगी उतना परिमाण से ये माया तुमसे दूर होगा। तुम्हें ये बोलने की माया छोड़ो, ये माया छोड़ो, ये माया छोड़ो, नहीं। यहाँ पर प्रभुपाद कहते छोड़ने का कोई जरूरत नहीं, ये चीज को जोड़ो, किसी चीज को छोड़ो नहीं। प्रभुपाद का जो विचार है ना, वो कहते कोई चीज छोड़ नहीं, काम छोड़ो। बोले नहीं, क्यों छोड़ेंगे, भगवान काम तो भगवान ने दिया है। किसने दिया काम, भगवान दिया है ना, तो जो छोड़ेंगे क्यों, जोड़ो ना। बोले किसमें जोड़े, बोले गोपियों ने जोड़ लिया कि नहीं, उनका हृदय में काम थी तब तो कृष्ण को प्रेम किया, अगर काम नहीं होता तो कृष्ण को प्रेम क्यों करते, करते नहीं। इसलिए हाँ, काम को क्या करो, बोले काम कृष्ण कर्मार्पणे। एक काम होता है लस्टी माय काम, दूसरा काम होता है संसार का काम, हैं? इसलिए बोले काम कृष्ण कर्मार्पणे, दिन भर काम करते रहो। एक काम होता है काम करना, हैं? दिन भर क्या करो, मंदिर साफ करो, रसोई बनाओ, हैं? ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाओ, हैं? भगवान के लिए सुंदर सुंदर चीज बनाओ। इसलिए काम को क्या करो, कृष्ण कर्मार्पणे, कृष्ण के लिए करो। देखो जो प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे ना, एक समय प्रभुपाद के जब जाते थे कि कार में लेकर जाते थे, प्रभुपाद कार लेकर के जाते थे प्रचार कर, उसी समय कार में बैठना कोई साधारण बात नहीं था, वो राजा महाराज लोग कार में कहीं बैठते थे, कार में बैठना कोई साधारण बात नहीं था। प्रभुपाद एकदम पगड़ी बांध करके सूट बूट पहन करके कहीं प्रचार के लिए जाते थे, कार लेकर जाते थे। किसने प्रभुपाद से पूछा, कहते ये साधु लोग तो पेड़ को नीचे बैठते हैं, शरीर में राख मल करके जटा जुटा धारण करते हुए वो पेड़ को नीचे बैठते हैं, लेकिन प्रभुपाद एकदम सूट बूट कोट पहन करके और कार लेकर के प्रचार करने जाते थे। बोले ये क्या, ये कोई साधु है, अब तो कार में बैठ करके आते हो, ये क्या, कौन सा साधु का लक्षण है। प्रभुपाद कहते हैं मेरे पास में इतने हरि कथा है, अगर मेरे को 10-20 एरोप्लेन दे दिया जाए ना, मेरे को 10-20 कार की बात क्या करते हो, मेरे को तो 10-20 एरोप्लेन अगर दे दिया जाए, मैं चाहता हूँ पूरा विश्व में महाप्रभु का वाणी को विश्व में प्रचार करना चाहता हूँ। तुम तो कार की क्या बात कर रहे हो, हैं? जिस समय प्रभुपाद कभी एग्जीबिशन करते थे, मंदिर में एग्जीबिशन दिखाया करते थे, उसमें कैसे लाइट जल रही है और उसको पिताजी ने आदेश दिया प्रहलाद को मारने के लिए, और जितने राक्षस लोग प्रहलाद को लेकर के आग को बीच में डाल दिया, और उसमें इलेक्ट्रिक बहुत सीटी लगती है, इलेक्ट्रिक लगती है, इलेक्ट्रिक चल रही है, और उसको बीच में प्रहलाद महाराज बैठे हुए और बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम कर रहे। किसने प्रभुपाद को बोले, अब ये इतने इलेक्ट्रिसिटी क्यों बर्बाद कर रहे हो, इतने सारे अगर और किसी काम में लगता तो कल्याण होता। प्रभुपाद कहते हैं पृथ्वी में जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी है, जब सबके सब यही काम में लगेगा ना एक दिन, तब समझना बस इलेक्ट्रिसिटी जिसने बनाया उसका बनाना धन्य हो गया है, सार्थकता हो गया है, हैं? इसलिए प्रभुपाद का जो विचार अलग विचार है। देखो ये कितना बड़ा मंदिर बना है, कितना बड़ा मंदिर बना, साधारण लोग देखकर बोले साधु लोगों को तो पेड़ को नीचे रहनी चाहिए, देखो कितना बड़ा बिल्डिंग गुरुदेव ने, कितना बड़ा बिल्डिंग गुरुदेव ने बनाया है, जो बड़े बड़े करोड़पति व्यक्ति भी इतना बड़ा बिल्डिंग नहीं बना सकता है। कितना सुंदर नाथ मंदिर, ठाकुर जी कल कोई एक मंत्री भी कल आया था, कोई एक मंत्री है, इसलिए फिर इतना क्यों बना, इसलिए सब। तो प्रभुपाद कहते हैं ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक कृष्ण है, सारे मालिक कृष्ण, जब सारे वस्तु एक दिन यही काम में लग जाएगा ना, समझना उस चीज का सार्थकता हो गया। इतना बड़ा मंदिर है तभी तो आप लोग परिक्रमा में आए हो, अगर गुरुदेव पेड़ को नीचे बैठ कर भजन कर सकते थे, गुरुदेव पेड़ को नीचे बैठ कर, अगर पेड़ को नीचे रहते आप एक दिन आते, नहीं आए हो। अटैच बाथरूम हमें घर चाहिए, अटैच बाथरूम, फिर गर्म पानी चाहिए,
हमें गर्म पानी नहाने के लिए चाहे, एक दिन अगर ठंडा पानी में नहाओ तो तभी बुखार आ जाती है, हैं? इसलिए गला दर्द, हम गर्म पानी में नहा करके ही और बढ़िया गाड़ी में जाकर तभी हमारा शरीर खराब होता है। अगर कोई पेड़ को नीचे रहता फिर आप लोग आते, आप लोगों का दर्शन मिलता क्या? कोई नहीं आते। हाँ, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, मैंने जितने चीज बनाया ना वो मेरे लिए नहीं बनाया है, मैंने तुम लोगों के लिए बनाया। तुम लोग जो बड़े बड़े बाबू लोग हैं ना, जो बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हो, तुम लोग बाबू जैसे लोगों के लिए मैंने ये सब चीज बनाया। मेरे तो वृक्षों को नीचे में बैठ कर भजन कर सकता हूँ, वृक्षों को नीचे बैठ कर भजन कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रभुपाद का जो विचार है ना वो अलग विचार है, हैं? इसलिए प्रभुपाद का तो कोई चीज नहीं छोड़नी चाहिए, हर चीज को भगवत सेवा में लगा दो, किसी चीज को प्रति बुरी भाव से मत देखा करो। अरे ये माया छोड़ो, ये माया 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 छोड़ो। प्रभुपाद जिनका विचार एकदम अलग विचार है, इनके विचार है हर चीज को, जगत में जितने बढ़िया बढ़िया चीजों को जब ये भगवत सेवा में लगेगा, दुनिया भगवान की है, जब ये भगवत सेवा में लगेगा तभी इस चीज की सार्थकता है, नहीं तो ये चीज की कोई सार्थकता नहीं। इसलिए काम क्रोध, हाँ, क्रोध गद्दी चीज है, क्रोध गद्दी चीज है, लेकिन क्रोध अच्छी चीज है। बोले क्यों? जैसे भक्ति से कोई प्रतिकूल काम कर रहा है, भक्ति का कोई प्रतिकूल कोई काम करता है भक्ति का, अगर उसको देख करके अगर क्रोध नहीं आए ना, क्रोध नहीं आए फिर तो ये तुम्हारी भक्ति में हानि है। इसलिए हम देखता था भक्ति वेदांत समय नारायण गोस्वामी महाराज, अगर कोई भक्ति की थोड़ी सी कोई प्रतिकूल चीज देख लिया, हमारे गुरु जी के पैर से सर तक आग उठ जाती थी। इसलिए गुरुदेव कभी कभी अपना जो खड़ा होता था ना उसको फेंक करके मारते थे, हैं? गुरुदेव उसे जो डंडा था, जो सन्यासी के डंडे, हैं? वो लठी का काम करता था, डंडा का काम करता था, सचमुच से डंडा है ना, और डंडा का काम, कोई अगर उल्टा पलटा मारते थे, हैं? इसलिए कहते क्रोध आना गंदी चीज है, लेकिन क्रोध नहीं आना भी गंदी चीज है। कोई अगर गंदे काम कर रहे, बुरे काम कर रहे, अगर उसको तुम्हारी क्रोध नहीं आता है, तुम्हारी भक्ति हानि है, भक्ति तुम्हारी हानि वहां पर है। क्रोध आनी चाहिए, लेकिन कहां पर? गंदी चीज को देख कर क्रोध आनी। हनुमान का आया कि नहीं? लंका जला दिया, पूरा लंका ही कहां कर दिया। हाँ, काम क्रोध बोले लोभ, कहते लोभ, लोभ गंदी चीज है, लोभ गंदी चीज, लेकिन लोभ नहीं हो तो गड़बड़ी है। आपका अंदर में लोभ था तभी तो जम्मू छोड़ करके आए हो, जम्मू क्यों छोड़े? लोभ था ना, हरि कथा में भगवान का परिक्रमा करेंगे धाम में लोभ, तभी वो लोभ क्या किया, जम्मू से लेकर के आए, इनको रसिया लेकर रसिया छुड़ा दिया, हैं? इन लोगों को रसिया छुड़ा दिया, हैं? ये लोग लोभ था रसिया छुड़ा दिया, और ये लोग रसिया में ये लोग उनका देश का खाना खाते हैं, उनका देश का खाना खाते हैं रसिया में, ग्रीस का खाते हैं, और बोर्स ये रसिया में खाते हैं लोग, बोर उनका देश का खाना खाते हैं, लेकिन इधर उनका लोभ क्या किया, क्या बढ़िया घर में रहते हैं, बढ़िया घर में सोते हैं, डल्लब गद्दी के ऊपर सोते हैं, एयर कंडीशन रूम में रसिया में रहते हैं, लेकिन इनके अंदर में लोभ था, देखो वो चीज को छुड़ा करके, रसिया से छुड़ा करके उनको वृंदावन ले आए। किस चीज ले आए? लोभ ले आया, ये उनको, ये लोभ उनको वहां से यहाँ तक, ये को ये लोभ ले आया, लोभ गंधी, लेकिन ये लोभ अगर प्रभु की भक्ति में अगर लग जाए ना, कभी ये लोभ उसकी सार्थकता हो जाती है, हैं? इसलिए काम क्रोध लोभ मोह, कहते मोह गंदी चीज है, मोह माया के कारण है, लेकिन कहते मोह कहाँ पर लगाए? बोले इष्ट गुण गाने, भगवान की गुण कीर्तन में लगा दो मोह हो, लेकिन कब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की कीर्तन करेंगे, भगवान की बच... इसलिए प्रभुपाद का जो विचार है ना अलग विचार है, प्रभुपाद का और अलग विचार, प्रभुपाद हर चीज को वो चाहते हैं भगवान की भक्ति में सब चीज को बदला करके प्रभु की भक्ति में सब चीज लगा दो। ठीक है, गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। हाँ देखो, कल परसों हम सोच रहे थे जयपुर जाएंगे, लेकिन बोल रहे हैं उस दिन जो बस है ना वो सब शादी विवाह में, वो सारे बस शादी विवाह में जा रही है,
है, इसलिए लोग कह रहे हैं परसों नहीं होकर के उसका दूसरे दिन जो है ना, उसी दिन जाओ बस मिल जाएगी, उसी दिन जाओ बस मिल जाएगी। तभी मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, पूछ करके देखता हूँ, अगर परसों अगर बस मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो परसों हम लोग गोकुल नहीं गए ना, गोकुल नहीं गए, इसलिए गोकुल नहीं गए, इसलिए हम कोशिश करते हैं अगर हो जाएगा तो हम चले जाएंगे उधर, नहीं तो हम लोग गोकुल चले जाएंगे। ठीक है, गोकुल नहीं गए ना, गोकुल नहीं गए।